मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू, दिस इज फ्लोरा अकेडमी एंड आई एम जेल बाथम। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अनसीन पैराग्राफ ऑफ 10th क्लास। सो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो देम। पैराग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़िए और इस पैराग्राफ के नीचे दिए गए जो क्वेश्चंस हैं उनको पढ़कर इन्हीं में से आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उन्हीं में से आपको राइट आंसर चुनना रहेगा। देन लिसन, यू मस्ट हैव हियर द नेम ऑफ रेड क्रॉस। आपने रेड क्रॉस का अवश्य नाम सुना होगा। द रेड क्रॉस सोसाइटी इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। रेड क्रॉस सोसाइटी जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स एम इज़ वेरी नोबल। इसका जो उद्देश्य बहुत ही महान है। इट हेल्प्स अ मैन काइंड सफरिंग फ्रॉम डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, फ्लड एंड फैमिन। मतलब ये जो है मैन काइंड की सहायता करती है जो कि भूकंप से, बाढ़ से या अकाल से पीड़ित हैं। इट हेल्प्स द सिक एंड द वाउंड ड्यूरिंग द वॉर्स। जो युद्ध के दौरान जो लोग जख्मी हो जाते हैं उनकी भी सहायता करती है। इट हेल्प्स विदाउट एनी डिस कंसिडरेशन ऑफ नेशनलिटी। इसमें कोई राष्ट्रीयता की किसी प्रकार की भेदभाव नहीं होता, चाहे वो किसी भी देश का क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी रीति रिवाज को मानने वाला क्रीड, चाहे वो किसी भी कलर का क्यों ना हो, सबकी सहायता करती है। सर हेनरी डोनांट फाउंड द रेड क्रॉस सोसाइटी। सर हेनरी डोनांट ने रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की थी 1863 के अंदर इन स्विट्ज़रलैंड में। एंड उसके बाद इन 1920 के अंदर द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज फाउंड। मतलब इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई 1920 के अंदर। टू इनकलकेट द स्पिरिट ऑफ रेड क्रॉस इन स्टूडेंट्स के अंदर रेड क्रॉस की भावना को उत्पन्न करने के लिए जूनियर रेड क्रॉस वॉज स्टार्ट। जूनियर रेड क्रॉस की शुरुआत की गई। स्टूडेंट्स अंडर 16 कैन बी एनरोल्ड इन जूनियर रेड क्रॉस। मतलब अंडर 16 जो स्टूडेंट्स थे वही इसमें भाग ले सकते थे, जिसकी शॉर्ट फॉर्म दे दी गई JRC, जूनियर रेड क्रॉस। द मोटो मतलब उद्देश्य। द मोटो ऑफ JRC का जो उद्देश्य है इज़ वो है आई सर्व, मतलब मैं सेवा करता हूँ। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव, उसके जो मुख्य उद्देश्य हैं आर हेल्थ, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना, सर्विस सेवाओं की तरफ ध्यान देना, एंड फ्रेंडशिप और एकता की ओर, अपनी एकजुटता की ओर या दोस्ती की भावना को जोड़ने का काम करती है। द टीचर इन चार्ज ऑफ JRC का जो मुखिया होता है, टीचर ही होता है, इस कॉल्ड द काउंसलर। उसको काउंसलर का नाम दिया जाता है, एक सलाहकार के रूप में होता है वो। द स्टूडेंट्स एज मेंबर ऑफ जूनियर रेड क्रॉस सोसाइटी वर्क अंडर द गाइडेंस। मतलब ये जो JRC के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो गाइडेंस के अधीन ही काम करते हैं। इफ़ दियर काउंसलर इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन बींग हु नीड केयर एंड सपोर्ट। यहाँ पर इफ नहीं है, ऑफ है। ऑफ दियर काउंसलर इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन बींग हु नीड केयर एंड सपोर्ट। मतलब अपने काउंसलर की गाइडेंस के अनुसार ही JRC के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनकी सहायता से ही काम करते हैं। अब देखते हैं अपने क्वेश्चंस। और फर्स्ट क्वेश्चन इज रेड क्रॉस सोसाइटी इज एन। रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो एक क्या है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमने पढ़ा था, लोकल ऑर्गेनाइजेशन, नो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे सीधा लिखा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है आपका सेकंड, हु फाउंड द रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, हम जस्ट अभी पढ़कर आए हैं, सर हेनरी डोनांट ने की थी। आफ्टर दैट व्हेन डिड रेड क्रॉस सोसाइटी फाउंड, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई, इसमें 1863। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी फॉर्म। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई, तो इसमें 1920 द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज फॉर्म्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टीचर इन चार्ज ऑफ JRC इज नॉन एज। जो JRC का टीचर जो इन जिसको इंचार्ज दिया जाता है उसे किस रूप में जानते हैं, काउंसलर के रूप में जाना जाता है। तो इस अनसीन पैराग्राफ में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पैराग्राफ ही आपके सामने लेकर आएंगे।